आपको बताएंगे कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेश कहाँ करना है, लेकर आएंगे मुनाफे का फंडा। मुनाफे का फंडा बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार हमारे साथ हैं। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 उस पर। बताइए, कहाँ पर आपका कन्विक्शन है, कहाँ भरोसा है, दो शेयर कौन से हैं आपके? जी, गुड मॉर्निंग। सो मेरी सबसे पहली कन्विक्शन पिक है टाटा मोटर्स। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इसके जो तीनों सेगमेंट है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं। सीवी बिजनेस में काफी हमें अच्छी रिकवरी दिखाई दी है एंड सारे ही उसके सेगमेंट्स मीडियम हाई एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल तीनों ही सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर पीवी सेगमेंट की बात करें तो वहां पे भी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। स्पेशली पोस्ट कंपनी ने जो अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक नए रूप में जो लॉन्च किया है तो जो रिफ्रेश उसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी है उससे उसने मार्केट शेयर गेन किया है एंड साथ ही साथ कमोडिटी कॉस्ट में काफी कुछ सेविंग्स के चलते हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर हम उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पीवी सेगमेंट है वहां पे कंपनी की बहुत अच्छी मार्केट शेयर उसने गेन कर ली। अराउंड 80% मार्केट शेयर कमांड करता है और उसने काफी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड काफी अच्छी पाइपलाइन है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years जो कि एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट इवन ऑन द बस साइड अभी हाल ही में न्यूज था कि गवर्नमेंट ने 10,000 ई बस प्रोक्योर करने का स्कीम लॉन्च किया है तो इससे टाटा मोटर्स बेनिफिट करेगा बिकॉज उसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रेडी है। तो ओवरऑल जो ईवी सेगमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्टैंड करता है और टाटा मोटर्स एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंजॉय करता है जिससे कि उसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी। उसका जो JLR बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रैंप अप किया है एंड उसके जो कुछ की प्रोडक्ट्स है जैसे कि डिफेंडर, RRR, स्पोर्ट, ये सब प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर बुक के अच्छे 75-80% फॉर्म करते हैं जिसमें कि एक अच्छा हमें रैंप अप दिखाई दे। तो ओवरऑल हर सेगमेंट इनके एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा है जो कि ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करेगा। तो हम लंबी अवधि से इसमें 750 का टारगेट प्राइस देख रहे हैं और काफी बुलिश है। मेरी दूसरी पिक है कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका वैल्यूएशन अराउंड 0.6-0.7 times FY 2025 पे है जो कि इसे काफी अट्रैक्टिव बनाता है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ काफी हेल्दी रहा है ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। हर एक सेगमेंट में हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। एसेट क्वालिटी काफी शार्पली इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट बैंक टारगेट कर रही कि वो अपने नेट एनपीएस को रिड्यूस करके 1.2% तक ले आएगी बाय दिस ईयर एंड जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ नॉट बाय FY 2024 प्रॉब्ली थोड़ा सा 1-2 quarter आगे पीछे हो सकता है बट डेफिनेटली बैंक उसको अचीव कर लेगी। ओवरऑल ROA ROE भी हम काफी हेल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ROE मोर देन 15% प्लस बैंक्स इजिली अचीव कर लेगी बाय FY 2024। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं और साथ ही साथ इसमें वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल भी है क्योंकि जो कैनरा HSBC है एंड कैनरा रोबैको है उनके IPOs एक्सपेक्टेड है FY 2025 में। तो प्रॉब्ली बाय सेकेंड हाफ ऑफ FY 2025 इनके लिस्टिंग्स एक्सपेक्टेड है जो कि वैल्यू अनलॉक करेंगे। तो ओवरऑल लुकिंग एट दी वैल्यूएशंस एंड जैसे कि बिजनेस पूरा रैंप अप हो रहा है हम काफी बुलिश है कैनरा बैंक पे और इसमें हमारा टारगेट प्राइस बनता है 425। ठीक है, शुक्रिया स्नेहा। तो केनरा बैंक पसंद है क्योंकि बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, और भी कुछ अच्छी ट्रिगर्स हैं बैंक के लिए। और टाटा मोटर क्योंकि लॉन्च की पाइपलाइन दमदार है, शेयर को हमने बहुत अच्छे से रिकवर करके 600 रुपये के ऊपर आते हुए देखा है, और इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा अब 750 रुपये का। तो टाटा मोटर और केनरा बैंक, ये दो शेयर मुनाफे का फंडा के तौर पर।